नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। पीएम नरेंद्र मोदी ने पणजी में रोजगार मेला को वर्चुअली संबोधित किया है और मेले में 1250 बेरोजगारों को राज्य सरकार की ओर से नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया है कि उनकी नियुक्तियां कई विभागों में होनी है। और आपको बताते चलें कि कल मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बताया था कि रोजगार मेले में कई विभागों में पदों के लिए 1250 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। सावंत ने बताया था कि रोजगार मेले के तहत पुलिस विभाग, अग्निमिशन और आपातकालीन सेवा योजना और सांख्यिकी और कृषि विभागों में भर्ती के लिए चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। मिशन गुजरात में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी गुजरात में ताबड़तोड़ 4 रैलियां करेंगे। और पीएम मोदी आज पालनपुर और इसके साथ ही मोदासा, दहगाम और बावला में रैली संबोधित करेंगे। और वहां अब तक गुजरात में 20 रैलियां कर चुके हैं। और बीजेपी के चुनावी कैलेंडर के मुताबिक पीएम मोदी गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान कुल 51 रैलियां करेंगे। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के दौरान अभी गुजरात के कई दौरे लगाएंगे और गुजरात में ही बीजेपी 150+ के टारगेट को अचीव करने में अपनी भूमिका निभाएगी। और पीएम मोदी सुबह 11 बजे पालनपुर में ही जनसभा को संबोधित करेंगे और दोपहर 1 बजे वो मोदासा में ही रहेंगे और उसके बाद ही दोपहर 2:30 बजे दहगाम में रैली करेंगे। और आज आखिर में ही शाम 4 बजे अहमदाबाद देहात की बावला विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। आपको बताते चले कि आज प्रधानमंत्री गुजरात के जिन इलाकों में रैली करने वाले हैं वो बीजेपी की रणनीति के लिहाज से बेहद खास है। मुगल सेना को 17वीं सदी में ही परास्त करने वाले महोब साम्राज्य के सेनापति लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती का समारोह आज से दिल्ली के विज्ञान भवन में शुरू होगा। आपको बता दें कि लचित बोरफुकन की जयंती 24 नवंबर को मनाई जाती है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसके मद्देनजर एक कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और यह समारोह 3 दिन तक चलेगा। समारोह के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे और जबकि 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका समापन करेंगे। लचित ने मुगलों को पूर्वोत्तर में घुसने तक नहीं दिया गया और यहाँ तक कि मुगलों के कब्जे से गुवाहाटी को छुड़ाकर उस पर फिर से अपना कब्जा भी कर लिया गया था और इसी गुवाहाटी को फिर से पाने के लिए मुगलों ने अहोम साम्राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ा था जिसे सरायघाट की लड़ाई कहा जाता है। और इस युद्ध में ही औरंगजेब की मुगल सेना 1000 से ज़्यादा तोपों के अलावा बड़े स्तर पर नौकाओं के साथ लड़ने आई थी लेकिन लचित ने ही उनके इरादों पर पानी फेर दिया था। महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता आदित्य ठाकरे ने अपने पहले बिहार दौरे में विपक्षी नेता तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात की है और इस दौरान ही आदित्य ने विपक्षी एकता को मजबूत करने की तरफ एक कदम बढ़ाया है। और टना में उन्होंने दावा किया कि हिंदी भाषी उत्तर भारतीयों के प्रति स्थिरता रखने वाले अब भाजपा के साथ हैं और अब जोर देकर कहा कि जब हम महाराष्ट्र में सत्ता में थे तभी सभी समुदाय के बीच ही सद्भाव था और इसके अलावा जब उनसे तेजस्वी यादव को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम दोनों लंबी रेस के घोड़े हैं। आदित्य ठाकरे ने अपनी पार्टी के राज्यसभा सदस्य अनिल देसाई, प्रियंका चतुर्वेदी और साथ पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से शिष्टाचार मुलाकात की। और इस दौरान जब आदित्य से नेतृत्व को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हर बार राजनीति करना जरूरी नहीं है, काम कोई भी कर सकता है और हम दोनों बातचीत करते रहते हैं और आगे लंबी रेस के घोड़े हैं। आदित्य ने तेजस्वी के अच्छे काम की सराहना की है और खुलासा भी किया है कि वो काफ़ी समय से राजद नेता के साथ फ़ोन पर संपर्क में हैं। हालांकि दोनों की आमने सामने की ये पहली मुलाकात है। आदित्य ने जोर देकर कहा कि उनके बिहार दौरे के बारे में कुछ भी राजनीति नहीं था और ये पूछने पर कि क्या उन्हें उम्मीद है कि तेजस्वी मुंबई नगर पालिका चुनाव में उनकी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, उन्होंने जवाब दिया कि चुनाव बहुत दूर है। आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे ने जवाब देते हुए कहा कि चुनाव बहुत दूर है।
महाराष्ट्र पुलिस को 23 साल बाद एक मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बुधवार को फरार चल रहे गैंगस्टर रविंद्र मारुति ढोले को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि उसकी गिरफ्तारी पुणे के जुन्नर से हुई है और अधिकारियों का कहना है कि गैंगस्टर रविंद्र उमर नाइक गैंग का सदस्य है और वो लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस के मुताबिक रविंद्र 1999 में डकैती के प्रयास जैसे कई मामलों में वांछित है और पिछले 23 साल से वो पुणे के ही जुन्नर में फर्जी पहचान बताकर रह रहा था। पुलिस को इस बारे में इनपुट मिला जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। घायल में आज तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक आज सुबह करीब 3:46 पर 37 किलोमीटर पूर्व उत्तर पूर्व में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और रिक्वल स्केल की बात करें तो भूकंप की तीव्रता 3.4 मापी गई है और गहराई जमीन से 5 किलोमीटर नीचे थी। और इससे पहले बुधवार को, बता दें आपको कि महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश में ही भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान के केंद्र के मुताबिक बताया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के ही बसर में 58 किलोमीटर उत्तर पश्चिम उत्तर में ही बुधवार सुबह 7:01 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके स्केल रिक्वर अगर रिक्टर स्केल की बात करें तो तीव्रता 3.8 मापी गई है और गहराई जमीन से 10 किलोमीटर नीचे थी। और वहीं महाराष्ट्र के नासिक में भी कल तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लव जिहाद का मामला सामने आया है। एक युवक ने अपनी धार्मिक पहचान छिपाकर एक नाबालिग से पहले दोस्ती की, फिर आरोपी ने चाकू की नोक पर उसका अपहरण कर धर्मांतरण कराया और फिर हरियाणा में ले जाकर उसके साथ निकाह करते हुए बार बार रेप भी किया। लड़की के मोबाइल फोन की लोकेशन को ट्रेस कर हरियाणा पहुंची लखनऊ पुलिस ने लड़की को बरामद करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धर्मांतरण, लव जिहाद, अपहरण और बाल यौन उत्पीड़न की धाराओं में केस दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी की पहचान सलमान के रूप में हुई है और आरोपी श्याम बनकर लड़की के संपर्क में आया था और उसने पहले दोस्ती की और इसी दौरान आरोपी लड़की को डरा धमका कर भगा ले गया। इस दौरान आरोपी जो है उसने लड़की का चाकू की नोक पर ही धर्मांतरण कराते हुए उसके साथ निकाह कर लिया और हरियाणा ले जाकर बार बार उसके साथ रेप किया। लखनऊ में पारा इंस्पेक्टर ने ही बताया है कि हरियाणा की तहरीर के आधार पर ही पहले गुमशुदगी दर्ज की गई थी और इसके बाद पुलिस ने लड़की के मोबाइल नंबर को ट्रेस किया तो पता चला कि वो हरियाणा में है और फिर पुलिस की टीम हरियाणा भेजी गई जहां से आरोपी को गिरफ्तार कर लड़की को बरामद कर लिया गया है। इटावा में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में पूर्व जिला अध्यक्ष बीपी सिंह समेत 5 पदाधिकारियों बसपा के निष्कासित कर दिया गया है। और आपको बता दें कि आरोप है कि मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर ये बसपा नेता समाजवादी पार्टी के संपर्क में थे। और बता दें आपको कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की तस्वीरें वायरल होने के बाद पार्टी ने ये कार्रवाई की है। बसपा प्रमुख मायावती के निर्देश पर इटावा जिला अध्यक्ष मनोज दोहरे ने कार्रवाई की है। और इसी खबर पर हमारे साथ इटावा से संवाददाता रोहित सिंह चौहान जुड़ चुके हैं। रोहित, वीपी सिंह समेत 5 नेता बसपा से निष्कासित हुए हैं, पूरा मामला विस्तार से बताइए। बिल्कुल, आपको बता दूं मैनपुरी लोकसभा सीट पर जो उपचुनाव हो रहे हैं उस पर जो है बसपा प्रमुख मायावती ने अपना कोई भी प्रत्याशी यहां से नहीं उतारा है। वहीं सीट पर जो है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पूरी दमदारी से अपने चुनाव प्रचार में लगी हुई है और बसपा का वोटर जो है इस समय भ्रमित है कि वो किसकी तरफ वोट दे। बसपा के ये जो 5 नेता हैं ये लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करने के बाद समाजवादी पार्टी के लिए वहां पर लोकल में काम कर रहे थे, जिसकी जानकारी मायावती को होने पर उन्होंने इस मामले की जांच करवाई और जब तस्वीरें अखिलेश यादव से मुलाकात की सामने आई हैं तो उसके बाद जो है मायावती के निर्देश पर जिलाध्यक्ष मनोज दौरे ने इन 5 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। जी जी रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम जानकारी देने के लिए।
मथुरा में अपर सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विपिन कुमार की अदालत ने नाबालिग से बलात्कार के आरोप में ही अभियुक्त को 10 साल का कठोर कारावास और 45,000 रुपये अर्थदंड की देने की सजा सुनाई है। और इस केस की सरकार की ओर से पैरवी कर रही स्पेशल डीजीसी पॉक्सो कोर्ट अलका और इसके साथ ही उपमन्यु एडवोकेट ने बताया है कि पीड़िता के पिता ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि उसकी पुत्री पीड़िता 23 अगस्त 2017 को लगभग 11 बजे कृष्ण नगर अपनी मां के पास जा रही थी और तभी रास्ते में अभियुक्त नरेश मिला और नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। और जब लड़की देर रात तक नहीं लौटी तो उसने छानबीन की, लेकिन लड़की का कोई पता नहीं चला। और कुछ लोगों ने मुझे ये भी जानकारी दी है कि तुम्हारी लड़की को नरेश के साथ देखा गया है। और जब नरेश के घर जाकर देखा तो नरेश भी घर से लापता था। पीड़िता के पिता के थाना कोतवाली में तहरीर दी गई है, जिसमें पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। गोरखपुर में कर एडवोकेट भानु प्रताप पांडे पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट ने प्रेस वार्ता कर बताया है कि हमारे राजनीतिक प्रतिबंधियों द्वारा छल पूर्वक डीसी केस लगातार अवैध तरीके से मेरी पात्रता को खत्म करने का प्रयास किया गया और जिसको लेकर मैं कई बार अपने आप को मानसिक रूप से प्रताड़ित भी दिखा। मैंने काउंसिल ऑफ इंडिया के सम्मानित चेयरमैन और अन्य सदस्यों के साथ पास जाकर आदेश के विरुद्ध अपील 2 दाखिल किया और जिसमें सम्यक परिशीलन के पश्चात बार काउंसिलिंग ऑफ इंडियन के चेयरमैन ऑफ अन्य सदस्य द्वारा अपील को स्वीकार करके बार काउंसिलिंग ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा मेरे विरुद्ध डीसी पारित आदेश को स्थगित कर मामले की निष्पक्ष सुनवाई का आरंभ कर दी गई है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में जो सदस्यता निरस्त करने का आदेश दिया था उसे माननीय बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने तुरंत स्थगित कर करके और पत्रावली को अपने यहाँ तलब कर लिया और पुनः मुझको और अगली सुनवाई की तिथि नियुक्त कर दिया। ये प्रेस वार्ता की जा रही है इस संबंध में बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट में हमारे यहाँ जो है भानु प्रताप पांडे नाम के एक अधिवक्ता हैं जो कि विभिन्न 30 वर्षों से अधिक समय तक से इस बार एसोसिएशन में बतौर अधिवक्ता पंजीकृत हैं और जिन्होंने बार एसोसिएशन को विभिन्न पदों पर निर्वाचन होते हुए बार एसोसिएशन की सेवा की है काफ़ी लंबे समय तक, लेकिन विगत कुछ वर्षों से इनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों द्वारा एक ऐसा कुचक्र रचा जा रहा था जिससे कि ये गोरखपुर सदस्यता इसे ये निष्कासित कर दिए जाएं। और इसी खबर पर हमारे साथ गोरखपुर से संवाददाता धनेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनेश, जिस तरह से मामला सामने आया है, एडवोकेट भानु प्रताप ने प्रेस वार्ता की है और प्रेस वार्ता में क्या कुछ उन्होंने खास कहा है, विस्तार से बताइए। तो आपको बता दें गोरखपुर से खबर है जहां पर एडवोकेट भानु प्रताप ने प्रेस वार्ता की है। इसके साथ ही जानकारी सामने आ रही है कि उन्होंने कहा है अवैध तरीके से मेरी पात्रता जो है वो ख़त्म करने की कोशिश जो है वो की गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें उनका साफ तौर पर कहना है ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है उनकी पात्रता को, ऐसा भानु प्रताप कह रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है और इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने 2 दाखिला किया है और जिसमें सामान्य परिशीलन के पश्चात बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के चेयरमैन और अन्य सदस्यों के द्वारा अपील को स्वीकार करके ही बार काउंसिलिंग ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा उन्होंने कहा कि मेरे विरुद्ध डीसी पारित आदेश को स्थगित कर मामले की निष्पक्ष सुनवाई का आरंभ कर दी गई है। तो इटावा से खबर आपको बता रहे हैं जिसके जानकारी सामने आ रही है कि आपको बता दें कि इसी खबर पर हमारे साथ धनेश कुमार संवाददाता गोरखपुर से जुड़ चुके हैं। धनेश, जिस तरह से मामला सामने आया है, भानु प्रताप ने प्रेस वार्ता कर अपना बयान दिया, क्या कुछ उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा है, विस्तार से बताइए। आपको बता दूं कि जो
गुप्ती काउंसिल के पूर्व पूर्व अध्यक्ष यहाँ के भानु प्रताप पांडे जी के खिलाफ जो है वहाँ काउंसिल उत्तर प्रदेश में याचिका दायर की गई थी, जो की उनके ऊपर कितने मुकदमे हैं वकीलों के द्वारा भी कुछ वहाँ के वहाँ के कुछ वकील है उस पर अधिकारियों के द्वारा उनके ऊपर एक याचिका दायर की गई थी मानव काउंसिल उत्तर प्रदेश में थी, उसके ऊपर कई मुकदमे है कैद करने हैं सारे मामलों को लेकर एक याचिका दायर की गई थी जिनके ऊपर कितने कई मुकदमे हैं खजरों को खारिज कर दिया जाए और जो जो खारिज करके इनको समाप्त कर जाए तो जो चीजों को पूरी बार काउंसिल ने इनको इनको बातों को देखते हुए बताया कि सारी याचिकाएं जो दायर की गई थी तो वहां पे बार काउंसिल आपने उत्तर प्रदेश से मतलब किया और सारी बातें बताया कि ऐसे ऐसी याचिकाएं पड़ी हुई है पिछले आप जो है आपके ऊपर इतने मुकदमे हैं और सारी चीजें इनको देखते हुए आपकी सदस्यता को खारिज किया जाए, लेकिन वही तत्कालीन जो पदाधिकारी है वरिष्ठ अधिवक्ता है उन लोगों ने सारी बातें सारी चीजों को बार उत्तर प्रदेश रखा जिनके ऊपर अब कोई मुकदमे नहीं है कोई मुकदमे नहीं है कोई एक्सेस नहीं है सारी बातों को रखा गया तो बार काउंसिल उत्तर प्रदेश लेकर जो अपील की गई थी उनके खिलाफ भानु प्रताप पांडे जो यहाँ के बाल काउंसिल कोर्ट के अध्यक्ष है सारी मामलों को खारिज करते हुए उनकी उनकी मामले को फिर से प्रभात कर दिया। उसी बात को लेकर जो है पूर्व अध्यक्ष भानु प्रताप पांडे ने कल प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि हमें बाल काउंसिल उत्तर प्रदेश के जो निर्णय लिया उसका मैं स्वागत करता हूँ, उसकी राय करता हूँ, उसको सम्मान करता हूँ, उसी को लेकर उन्होंने प्रेस वार्ता की। जी दिनेश बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। इटावा में फायरिंग बट में पीएसी के जवानों के परीक्षण के दौरान ही चली गोली लगने से किसान घायल हो गया है और गोली लगने से घायल किसान को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामला आपको बता दें कि बड़पुरा क्षेत्र के अंतर्गत बाहुरी गांव का बताया जा रहा है। बता दें आपको कि इटावा से खबर है जहां पर पीएसी जवान घायल हो गया है गोली लगने से। बताया जा रहा है कि किसान घायल हो गया है, जवानों के परीक्षण के दौरान ये गोली चली थी जिसके बाद गोली लगने से किसान घायल बताया जा रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ इटावा से संवाददाता रोहित सिंह चौहान जुड़ चुके हैं। रोहित, जिस तरह से मामला सामने आया है कि पीएसी जवानों के परीक्षण के दौरान ही एक किसान को गोली लग गई है, क्या लापरवाही रही? रोहित, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो आपको बता दें इटावा से खबर है जहां पर पीएसी जवानों के परीक्षण के दौरान गोली चली है और बताया जा रहा है कि गोली किसान को लगी और किसान घायल हो गया है। इटावा से जानकारी दे रहे हैं आपको जहां पर घायल किसान को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बताया जा रहा है कि परीक्षण के दौरान ही पीएसी जवानों के परीक्षण के दौरान ये गोली चली थी और गोली जो है वो किसान को लगी थी। किसान फिलहाल घायल होकर जिला अस्पताल में भर्ती है। तो इटावा से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर पीएसी जवानों के परीक्षण के दौरान जो है किसान घायल बताया जा रहा है। तो आपको बता दें कि इटावा में फायरिंग बट में ही पीएसी के जवानों के परीक्षण के दौरान गोलियां चल लगने से ही किसान घायल हो गया है और गोली लगने से किसान घायल होने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पूरा मामला जो है बड़पुरा क्षेत्र के अंतर्गत बाहुरी गाँव का बताया जा रहा है। तो इटावा से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर गोली लगने से किसान घायल हो गया है और बड़ी जानकारी आपको दे दें इटावा से कि गोली लगने के कारण किसान घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि पीएसी जवानों के परीक्षण के दौरान गोली चली है। और इटावा से हमारे साथ रोहित सिंह चौहान जुड़ चुके हैं। रोहित सिंह, जिस तरह से मामला सामने आया है कि परीक्षण के दौरान ये गोली चली है और एक किसान इसमें घायल बताया जा रहा है, किसकी लापरवाही देखी जा रही है इसमें?
बिल्कुल आपको बता दूं, ये फायरिंग बट है जहां पर प्रशिक्षण केंद्र है, और जहां पर जो है पुलिस और पीएसी के जवान जो है आकर अपना जो है प्रशिक्षण करते हैं, रिहर्सल करते हैं। इसी दौरान जो है आगरा के 15वीं पीएसी बटालियन के जवान यहां पर आए हुए थे और यहां पर अपना प्रशिक्षण कर रहे थे। इसी दौरान जो है खेत पर काम कर रहे, जो 1 किलोमीटर दूरी की दूरी पर एक किसान जो है अपने खेतों पर काम कर रहा था, और पीएसी के जवानों द्वारा चलाई हुई एक गोली जो है उसके पेट में जाकर लग गई, जिसके बाद वह घायल हो गया। आनंद फानंद में पुलिस ने जो है उसको यहां से जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन किसान की हालत नाजुक है और उसको जो है अच्छे उपचार के लिए जो है सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए रेफर कर दिया गया है। हालांकि पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है, क्योंकि घटनास्थल और जो प्रशिक्षण केंद्र है उससे 1 किलोमीटर की दूरी है, और पुलिस यह मानने को तैयार नहीं है कि 1 किलोमीटर दूर जो है किसान को पीएसी के जवानों की गोली लगी है। ऐसा तो नहीं किसी और के गोली चलाने से वो घायल हुआ हो या किसी और ने उसको गोली मार दी हो। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और पीएसी के जवान जो उच्च अधिकारी है उन्होंने भी इस मामले की जांच पड़ताल पूरी कर दी है। जी रोहित, इसमें किसकी लापरवाही देखी जाए कि अचानक से किसान को गोली लग जाती है, और पीएसी जवानों को क्या कोई मतलब ऐसी जगह नहीं दी गई थी जहाँ पे वो परीक्षण कर सके? बिल्कुल, आपको बता दूं ये जो ओपन एरिया है, पूरा ओपन एरिया बना रखा है जो प्रशिक्षण केंद्र है, और यहाँ पर जो है आए दिन रोजाना तकरीबन कई फोर्सेस के जवान जो है आकर यहाँ पर जो है प्रशिक्षण करते रहते हैं, और यह बहुत ही अनुकूल और सुरक्षित जगह मानी जाती है कि यहाँ पर जो है प्रशिक्षण के दौरान किसी प्रकार का कोई हादसा या कोई बात आज तक तो सामने नहीं आई है, लेकिन यह पहला मामला किसान की गोली के लगने का सामने आया है, और पुलिस के उच्च अधिकारी इस पूरे मामले की बड़ी गंभीरता से जांच कर रहे हैं। अभी तक पुलिस अपनी लापरवाही, पुलिस प्रथम दृष्टया किसी की लापरवाही मान के नहीं चल रही है, और किसान का भी जो है इलाज करवाया जा रहा है। जी रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम जानकारी देने के लिए। ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र से मामला सामने आया है, जहां पर जिलाधिकारी के निर्देश पर अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि खनिज अधिकारी और इसके साथ ही एआरटीओ की संयुक्त कार्रवाई में अवैध बालू और गिट्टी से भरे 18 डंफरों पर कार्रवाई की गई है, और जिसमें से 11 डंफरों पर ऑनलाइन चालान काटा गया है, वहीं 7 डंफरों को सीज किया गया है। एक्चुअली ये शिकायत मिल रही है कि नंबर प्लेट्स पर ग्रीस लगाकर उसको मिसमैनेज किया जा रहा है। तो क्या कार्रवाई है, कितने चालान किए हैं, कितने सीज किए हुए हैं? इस पर पहले भी बहुत सारे गाड़ियों के चालान किए गए हैं नंबर प्लेट में मेरे द्वारा, और इधर जो भी गाड़ियां मिल रही हैं उन पे ये देखा जा रहा है हाई सिक्योरिटी प्लेट है या नॉन हाई सिक्योरिटी है। कितनी गाड़ियां हैं, क्या फीसेज इसमें लग रहे हैं? एक तो प्लेन अगर हैं तो सितंबर 2021 के बाद बैन लगा दिया गया, कोई गाड़ी विदाउट हाई सिक्योरिटी प्लेट के संचालित अगर जाएगी तो उस पर 5000 रुपये की जुर्माना किया जाएगा। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता था रुपेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश, जैसे अवैध खनन पर कार्रवाई की जा रही है और 7 डंपरों को भी इसके लेकर जो कार्रवाई की गई है, क्या मामला है पूरा? जी देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो है इस समय जो है जनपद ललितपुर में अवैध खनन का काला कारोबार जोरों पर है, जिसको लेकर ललितपुर जिलाधिकारी आलोक कुमार सिंह ने जो आदेश दिए थे कि जो है ललितपुर में किसी भी प्रकार से अवैध खनन नहीं किया जाएगा, उसको लेकर जिलाधिकारी के निर्देश और आदेश के बाद एआरटीओ एवं जो खनिज अधिकारी द्वारा अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कानूनी कार्रवाई की गई है, जिसके तहत 17 डंफरों को सीज किया गया है। जी जी रुपेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। पीलीभीत में दुष्कर्म पीड़िता ने पुलिस लाइन में जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया है, और जिसके बाद आनंद फानंद में उसको जिला अस्पताल में
पीड़िता को भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि बरेली द की भूता थाना इलाके के ही रहने वाली पीड़िता का कहना है कि उसके साथ एक साल पहले सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था और वो बिसलपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराने गई, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, जिसके बाद उसको अदालत की शरण लेनी पड़ी और अदालत के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन पुलिस ने आरोपियों से मिलकर मुकदमे में FIR लगा दी और आरोपियों पर कार्रवाई न होने और आरोपियों के खुलेआम घूमने से आहत होकर आज पीड़िता SP कार्यालय पहुंची और पुलिस लाइन परिसर में ही किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। फिलहाल पीड़िता का इलाज जिला अस्पताल में डॉक्टरों की टीम द्वारा किया जा रहा है। महिला SP ऑफिस से ले आए थे, पुलिस वाले ले आए थे, 3-4 थे, 7-8 लोग थे। हो गया, स्टेबल है, चल रहा है। कार हुआ था जी, किसने करा था? जोगिंदर, वीरेंद्र, फिर अमरपाल। कहाँ गए लोग? सीताराम, रिचोला गादी में इनका फार्म है। फिर क्या हुआ? इनने मुझे हरियाणा के रहने वाले हैं। अच्छा, इसने मेरे साथ बहुत गलत करा था, 3 लाख मुझे बेच दिया हरियाणा में जाकर। तो आपको बता दें, पीलीभीत से खबर है, जहां पर पीड़िता SP कार्यालय पहुंची और वहां पर दुष्कर्म की बात, जो पीड़िता है उसके साथ दुष्कर्म हुआ था, काफ़ी परेशान चल रही थी पीड़िता, जिसके बाद उसने जहरीला पदार्थ खाया है। पीलीभीत में दुष्कर्म पीड़िता ने पुलिस लाइन में ही जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया है और जिसके कारण आनन फानन में ही उसको जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया और जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि बरेली द की भूता थाना इलाके की रहने वाली पीड़िता है और उसका साफ तौर पर कहना है कि उसके साथ एक साल पहले सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। वो बिसलपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराने गई, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।